राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। तुम देखो करके गौर जरा सी, मारो नजर इलाके में क्या कसर रही तेरे डाके में जी। छापे गेरे जब गावन में, ढूंढे ही पुलिस मकानन में, भग्गी पड़ जाए ही ज्वानन में, नर दुब के जाए के ढाटे में जी, क्या जी, कसर जी, रही जी, तेरे डाके में जी। नमस्कार, आज 25 जून है। भारत के अंदर आपातकाल की जो घोषणा हुई थी आज से 48 साल पहले हुई थी, माने तो लोकतंत्र के काले धब्बे का 48वां साल। आपको बता दें, जो खासकर भारत की जो युवा पीढ़ी है, जो मेरी अगली हमारी पौध है, उनको हम बता दें कि जो पुराने लोग, इनको पता है कि आपातकाल किस हालात में लगा था, स्थितियाँ क्या थी उस समय, लोगों को क्या क्या पीड़ाएँ और क्या क्या दर्द झेलने पड़े। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, उसको हम बता दें कि आपातकाल लोकतंत्र के काले दौर का वह समय था जबकि एक प्रकार से पूरे देश में तानाशाही का माहौल बना दिया गया था। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उनके संसदीय जो निर्वाचन क्षेत्र था, उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उनके सांसद बनने के खिलाफ एक रिट पिटीशन हुई थी। कोर्ट ने उनको अयोग्य करार दे दिया था, लेकिन साथ साथ यह कह दिया था कि वे प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं। अगर इस कम सीधे शब्दों में ये कहें कि एक निरंकुश शासक के निरंकुश पुत्र की वजह से देश को 2.5 साल तक लगभग पूरे 21 महीने आपातकाल के काले दिनों में रहना पड़ा, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह वो दौर था जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में और राज नारायण जी के नेतृत्व में देश भर में प्रदर्शन चल रहे थे। देश के अंदर पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका था और उस विपक्ष को दबाने के लिए, मीडिया की आवाज़ को दबाने के लिए, देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के दबाव में आकर, प्रधानमंत्री के बेटे के दबाव में आकर के देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। 21 महीने तक देश के अंदर आपातकाल रहा। आज भी उस समय को जब यादों को ताज़ा करते हैं, जब पुराने लोग होंगे, तो कहीं लिखे हुए दीवारों पर लिखी वो इबारत लोगों को याद आ जाती होंगी कि इमरजेंसी के तीन दलाल संजय शुक्ला बंसीलाल, संजय बंसीलाल जी, शुक्ला जी भी थे उस समय पर, वैसी शुक्ला भी थे। और उस दौर को आज भी अगर आप ये कहें कि उस दौर के जो लोग थे उनको फ्रीडम फाइटर के रूप में अगर कहा जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि एक प्रकार से जब अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने की बात थी, जब वो लड़ाई लड़ी गई थी, और उसके बाद में जब देश में आपातकाल लगा और इमरजेंसी और तानाशाही से देश को मुक्ति दिलाने के लिए जो लोकतंत्र के एक तरह से कई रक्षक थे या लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जो लोग आगे आए थे, आज उन लोगों को याद करने का भी दिन है। और ऐसे में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उस समय पलवल से, जो उस लोकतंत्र की लड़ाई में जिन्होंने एक माने तो सेनानी की भूमिका निभाई, उन सेनानियों के रूप में बहुत थोड़े लोग आज हमारे बीच में मौजूद हैं, और उनमें से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित प्यारेलाल भारद्वाज जी, आरएसएस के नेता हैं और उस समय जेल में रहे थे। अनिल मोहन मंगला जी, आजकल भारत विकास परिषद में प्रसार प्रमुख का क्षेत्रीय मंत्री संस्कार का दायित्व भी संभाले हैं, और उस समय लगभग कितने माह जेल में रहे थे मंगला जी? साढ़े तीन महीने जेल में रहे थे। चंद्रमान गुप्ता जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल हैं, और लोग उस समय इमरजेंसी के समय में लगभग साढ़े तीन महीने जेल में रहे थे, ढाई महीने तक। इनके साथ साथ शक्तिपाल मंगला जी भी मौजूद हैं हमारे साथ आजकल, और इस समय लोकतंत्र सेनानी संघ यानी कि जो संघ बना इसी मामले को लेकर के, इमरजेंसी वाले मामले को लेकर के जो लोग आज हमारे बीच हैं, उनका एक संघ है और उसके सचिव हैं शक्तिपाल मंगला जी। चर्चा शुरू करते हैं कि आखिर आपातकाल की वो यादें क्या थी, बड़े सीधे चलते हैं। प्यारेलाल जी, क्या बताएंगे, क्या दौर था वो? जैसा कि अभी सामने बात आई कि वो जो दौर था वो लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय था जी, और वो एक निरंकुश शासन की, निरंकुशता की पराकाष्ठा थी जी।
जैसे इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया और उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया जी, तो वो बौखला गए जी, और उनकी बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि उन्होंने भरसक प्रयत्न किया कि उस समय जो जगमोहन सिन्हा थे कि उनके निर्णय को बदला जाए जी। उनके कार्यकर्ता, उनके लठेत उनके पास गए, हर तरह का उनके ऊपर दबाव डाला, लेकिन वो उनके दबाव में नहीं आए। और यहाँ तक हुआ था कि उन्होंने जो निर्णय था ये लीक आउट नहीं हो जाए जी जी, तो उन्होंने स्वयं जो है अपने हाथ से वो अपना निर्णय टाइप किया था और 12 जून 1975 को निर्णय सुना दिया जी। उस निर्णय को सुनते ही तत्कालीन जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी वो बौखला गई जी, और उनकी बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि 22 जून को दिल्ली के अंदर अपोजिशन वालों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और अपने चौधरी चरण सिंह जी, राजनारायण जी, इन सबको बुलाया गया था, और जयप्रकाश जी को पटना से बाई एयर आना था, और उनका जो है एंड टाइम पर उनका जो विमान का जो समय था वो उड़ान रद्द कर दी गई और वो नहीं पहुंच पाए जी। मंगला जी, कितनी उम्र रही थी आपकी उस समय? मैं प्रेप में पढ़ता था एसडी कॉलेज के अंदर जी। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ बचपन से जी। मैं जब ये जो इमरजेंसी लगी तो रोहतक के अंदर एक हमारा संघ का एक कैंप चल रहा था ओटीसी जी, मैं उस कैंप में था जी। 25 तारीख की रात को ही, क्योंकि ये जानकारी पहले ही मिल गई थी कि आपातकाल की घोषणा होनी है बिल्कुल, और देश के अंदर बहुत बड़ा संकट आने वाला है जी, तो 25 तारीख की रात को ही सभी कार्यकर्ताओं को कह दिया गया था कि भैया सभी रात को यहाँ से निकलना है जी, और अपने अपने निवास स्थान पर पहुँच करके अग्रिम आदेश की चिंता करनी है, इंतजार करनी है जी, और पुलिस से बचाव करके रखना है जी जी। मैं जैसे ही पलवल पहुँचा जी, तो अगले दिन ही मैं अपनी ताऊजी की दुकान पर जा रहा था, तभी पुलिस ने मेरे को गिरफ्तार करने की कोशिश की जी, और मैं उस पुलिस से छुड़ा करके भागा जी। मैं 2.5 महीने के करीब अंडरग्राउंड रहा जी, अंतोगत्वा पेश हुआ और 15 दिन पलवल जेल में रहा जी जी, उसके बाद बेल हुई जी। फिर नवंबर में जब संगठन के आदेश हुए, क्योंकि न्यायपालिका, प्रेस, मौलिक अधिकार सारे के सारे सस्पेंड कर दिए थे जी, कोई लिख नहीं सकता था, कोई बोल नहीं सकता था जी, ऐसी अवस्था में संचार व्यवस्था भी ढंग हो गई थी बिल्कुल। पलवल में ही एक प्रेस के अंदर एक जनवाणी और दर्पण नाम के दो पेपर छपा जी जन्म जी, वो पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम लोगों के पास था जी, और उसमें भी एक निहायत बिल्कुल सीधी सीधी डायरेक्शन थी कि यदि पकड़े जाए तो बोलना है कि ध्रुवचंद बंसल नाम का एक व्यक्ति है, वो मुझे देख करके गया जी। होड़ल से पत्रकार थे, बड़े हमारे पत्रकारों में स्तंभ पुरुष हैं हरियाणा में जी। एक ही नाम था कि साहब कोई भी कार्यकर्ता पकड़ा जाए तो ध्रुवचंद बंसल ले गए जी। पुलिस, सीआईडी सब परेशान थे कि ये छप कहाँ रहा है, कहाँ से आता है, कैसे बट रहा है जी, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता लगा। और यही करते करते नेहरू जी के जन्म दिवस पर फिर सत्याग्रह करने का निर्णय हुआ जी, और पलवल से हम 31 लोग उस वक्त सत्याग्रह में गए जी जी, और फिर यहाँ से गुड़गांव जेल में रहे जी। तो मेरे ऊपर दो मुकदमे चलते रहे, एक तो वो पहले वाला मुकदमा था पुलिस के साथ मारपीट करने का, दूसरा अखबार में, दूसरा ये। गुप्ता जी, आपकी कैसी यादें थी उस दौर की, क्या था? मैं उस समय पलवल भारतीय जनसंघ जी का विधानसभा, पलवल विधानसभा भाजपा पहले जनसंघ थी, जनसंघ थी जी। वो तो 1970 में जब चुनाव हुए जी, तब वो जनता पार्टी में विलीन हुई थी जी जी, और उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी जी। तो उसमें जो गुप्त मीटिंगें चलती थी हमारी जी कार्यकर्ताओं को, ऊपर से हमारे नेताजी भी आते थे, हमारे संघ के जो प्रमुख प्रचारक थे वो भी आते थे जी, और जहाँ भी हम मीटिंग रखते थे ये नहीं होता था फला के घर में मीटिंग होनी है, उसको एक नाम, वैकल्पिक नाम दिए हुए थे, जैसे हमारे यहाँ मीटिंग होनी है बिहार मीटिंग लाल किले पर होगी, मतलब सब उनको संकेतात्मक नाम दिए गए, संकेतात्मक नाम दिए गए थे जी, जी, जी। इस तरह से मीटिंग होगी, कभी मान लो कहीं पुलिस को कोई बात लीक आउट भी होती है जी, तो उस संकेत तो मतलब पकड़ ना पाए कि लाल किला कहाँ है, लाल किले पे जाना है जी। उसके बाद 14 नवंबर 1975 को सत्याग्रह का निर्णय हुआ जी, और पलवल से, पलवल में हरियाणा में सबसे बड़ा जत्था 31 आदमियों ने सत्याग्रह किया जी। पुलिस को सूचना दी गई मीनार गेट से चलेंगे, परंतु जो पुराना पंजाब नेशनल बैंक है
जो पुरानी शहर के अंदर हुआ करता था, बिल्कुल जी जी जी, वहाँ एकत्रित हुए और वहीं सत्याग्रह किया और उस सत्याग्रह में पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया और उन पे झूठा आरोप लगा कि हम लोग डाकखाना फूकने जा रहे थे। उसके बाद सभी को वहाँ SDM की अदालत में पेश किया गया। SDM ने जमानत मांगी, सबने जमानत देने से इनकार कर दिया जी, क्योंकि संगठन की योजना थी कि हमें जेल भरनी है क्योंकि हमारे सारे लीडर जेल में बंद थे जी। और सरकार पर दबाव बनाने के लिए और उस चीज को विश्व में भी उजागर करने के लिए भी सारे देश को इंदिरा गांधी ने एक जेल रूप दे दिया है सत्याग्रह का निर्णय। बताइए जेल में कैसा माहौल होता था? जेल में बड़ा खुशनुमा माहौल था जी, क्योंकि संगे शक्ति कलयुगे जी हमारा पूरा संगठन होता था। गुड़गांव में हम 60 आदमी थे, 31 पलवल थे और कुछ आदमी नारनौल के, गुड़गांव की जेल थी। यानी कि मान लें तो जो वो आपातकाल का दौर था जी, उसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका हमारे पलवल की थी। सबसे बड़ी भूमिका थी, सारे हरियाणा में सबसे बड़ा जत्था जी। आगे दोबारा आते हैं मंगला जी, आप कोई विशेष यादें, कोई उस समय का जो संघर्ष? मैं समझता हूँ कि जब हमारी बैठकें चलती थी जी इमरजेंसी के दौरान तो हर व्यक्ति भयभीत होता था जी जी जी, और डर लगता था हर एक आदमी को। तो जैसे भाई साहब ने बताया कि भाई नाम बदल करके कोडिंग होती थी हमारी की फलानी जगह मीटिंग होनी है तो फलानी जगह हम पहुँचते थे। एक बार अशोक जी सिंगल आए थे अपने प्रांतीय प्रमुख थे संघ के, अपने भगत सिंह जी सराफ, भगत सिंह सराफ जी जी जी, उनके आए थे तो हम 5-7 लोग थे जी। उन्होंने अपना वक्तव्य रखा और हमने अपने को आश्वासन, हमने उनको विश्वास दिलाया कि हम लोग जेल में जाएंगे जी, लेकिन अंदर से डर बैठा हुआ था, बाहर से मतलब जो उनको हिम्मत बनाने के लिए कि भाई हम जेल जाएंगे। तो ये उनकी आशीर्वाद से हम जो संगठन ने तय किया था तिथि 14 नवंबर 1975, उस दिन हम 5 लोग लक्ष्मी नारायण का जो ये अपना दाल मिल होती थी जी जी यहाँ पे इकट्ठे हुए, यहाँ से हमको जत्था जाना था जी। उस समय संगठन की भूमिका ये लक्ष्मी नारायण बंसल जी की, ये जो अपने दाल मिल, दाल मिल जी जी हाँ जी जी, तो हम वहाँ से 5 लोग, मैं भरतलाल जी भगत कुछ 2-3 लोग और थे, तो हम कुल मिला करके 5 लोग थे। माला वाला डाल करके हमने इंदिरा गांधी मुर्दाबाद और ये झूठे मुकदमे वापस लो, इस तरह के नारे लगाते हुए हम आगे चले। मीनार गेट अपना कमेटी चौक से मीनार गेट, उस समय वहाँ पे बस अड्डा हुआ करता था, बस अड्डे पे 2 मिनट रुके, मीनार गेट आए, मीनार गेट से अंदर शिव जो अपना जंगेश्वर मंदिर है वहाँ से होते हुए पंजाब नेशनल बैंक पहुँचे जी। तो उस समय लोगों में बहुत उत्साह था, आश्चर्यजनक रूप से देख रहे थे, बताइए इंदिरा गांधी को तानाशाह एक और उसके विरुद्ध में छोटे छोटे, मान ले वो टाइम था जैसे आजादी की लड़ाई थी जी जी, ना तो हमने वो देखी और ना हमने आपातकाल वाला युग देखा मंगला जी, आप साक्षी हैं उस एक गवाह उस युग के कि जब देश के अंदर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ी गई। मंगला जी कोई विशेष नारे गड़े गए होंगे उस समय? हम जत्थेदार थे जितने भी थे जी, लोगों ने हमारा अभिवादन किया, तिलक लगाए, मिठाई खिलाई और मालाएं डाल करके हम वहाँ गए जी। मंगला जी कोई विशेष में आपसे पूछ रहा हूँ, नारे गड़े गए हो? एक मिस्टर बरुआ हुआ करते थे जमाने जी, तो बरुआ भड़वा हाय हाय जी, बरुआ तो पलम कहाँ थे वो? ठीक है, बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस देवकांत बरुआ जी। तो ये वो बातें हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को पता भी नहीं होंगी। तो एक नारा होता था बरुआ भड़वा हाय हाय जी जी जी, इंदिरा गांधी हाय हाय जी, आपातकाल वापिस लो। तो परिवार के लोगों को पीछे जब जेल जाने की बात आई तो परिवार के लोगों ने नहीं कहा कि आप कहाँ कर रहे हो, जेल जाना है इस टाइप का कोई? क्योंकि जेल एक ऐसी चीज है बंगला जी, सबको डर भी लगता है और परिवार से अलग होना और पता नहीं कितने दिन के लिए जाना पड़ जाए कुछ। देखिए ऐसा है कि ये जो जेल जाने का काम है जी जी, सत्याग्रह का काम है, ये कुछ दीवाने लोग ही कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो जिनको उस संगठन का जी, जिसको उस संगठन का नशा आ जाए जी कि भाई ये काम करना है जी जी जी। अब अगर इस तरह से सोचते लोग तो फांसी में भगत सिंह कैसे चढ़ते? जुनून की चीज है, जुनून की चीज है बिल्कुल। वो जुनून पैदा अपने आप ही होता है जी, करने से नहीं होता, बिल्कुल वो दिखावा होगा। लेकिन जब आप उस जुनून में डूबते हैं तो आपको लगता है कि इतना बड़ा अन्याय देश के साथ हो रहा है जी,
और मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ जी, और फिर उसके साथ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन जी जी, यानी उस वक्त 140,000 लोग जेलों में बंद थे जी, और पलवल जैसी जगह से 31 आदमियों का जत्था, बहुत बड़ी बात है, यानी फरीदाबाद जैसी जगह से 10 आदमी थे और पलवल से 31। मग्गू जी पलवल का गौरवशाली इतिहास रहा हमेशा जी जी जी। उस समय हम हर 15 दिन तारीख लगती थी हमारी जेल से आने के बाद, जेल से मतलब तारीख भुगतने आए, हर 15 दिन की तारीख लगती थी जी। जब हम यहाँ मीनार गेट पर आती थी जेल की बस लेकर जी, यानी उस समय हम जेल में थे जब जेल में थे जी जी, अथाह लोगों का जत्था हमें मीनार गेट सिटी थाने के यहाँ मिलता था, और यहाँ से हम पैदल जाते थे जी, वो हथकड़ियाँ लगे हुए जी, मेरी और भगत सिंह जी की एक ही हथकड़ी में दोनों हाथ होते थे जी जी, और जब हम चलते थे जी, और पीछे से जनता इतने नारे लगाती थी, वहाँ खाने का पीने का सारा सामान उपलब्ध कराती थी कि लोगों में एक उत्साह था जी जी। और जो हमारे घर के लोग आते थे, अपनी तो मैं बताता हूँ, और मेरे सारे कार्यकर्ताओं के साथ थे, उनके घर की जो माताएं थी हमारी, जो खुद की मेरी माँ है, उन्होंने ये कहा था बेटे कभी भी वापस होकर मत आना जी, आओ सबके साथ आना, माफी मांग के अकेले मत, अकेले मत, अकेले मत, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी परंपरा, हमारी परंपरा, हमारी सनातन परंपरा भी है, हमें उनसे प्रेरणा मिलती थी जी। शर्मा जी आप जैसे बरुआ बरुआ हाय हाय, कोई आपकी कोई नया कोई अनुभव कोई नई बात रही उस समय की कोई? नहीं, उस समय की जो जितनी बातें थी जी जी सब नई थी जी। अभी जो चर्चा में बात आई थी जी जेल के नाम से डर लगता है, मेरी परिस्थिति उस समय बड़ी नाजुक थी। आप विवाहित थे उस समय? मैं विवाहित था जी, और अपने पिताजी का अकेला बेटा जी, पिताजी घर संभाल रहे थे, मैं यहाँ अध्यापक भी था और संध्या गवर्नमेंट टीचर थे, नहीं नहीं उस समय मैं सरस्वती हाई स्कूल में अध्यापक जी, जी जी जी, और संघ का मेरे पास बौद्धिक प्रमुख का दायित्व था, का दायित्व था जी। तो अब परिवार से अनुमति लेना बहुत जरूरी समझा, मैं घर पर गया तो हम पिता पुत्र दोनों ही बैठे हुए थे, मैंने कहा पिताजी ऐसे बात है भाई, जेल की स्थिति है, समय जेल में जाना पड़ेगा जी। उन्होंने केवल एक बार कहा था कि भाई बिना जाए काम नहीं चलेगा क्या, मैंने कहा जी मैं दायित्ववान कार्यकर्ता हूँ संघ का जी, अपने संगठन का, मैं नहीं जाऊँगा तो कौन जाएगा। सबसे जो नज़दीक का रिश्ता होता है पति पत्नी का होता है, पिताजी ने कहा, माता जी क्या बोली? नहीं माता जी उस समय नहीं थी, माता जी एक्सपायर हो चुकी थी, आपकी पत्नी, आपकी पत्नी, हमारी पत्नी को कुछ पता नहीं था, तो आपने बताया नहीं उनको मैं सत्याग्रह करने जा रहा हूँ, जेल जाना, उनको पता ही नहीं जी, उनकी पता नहीं इनकी क्या स्थिति बनेगी। हमारे पिताजी बड़े समझदार थे, बुद्धिमान थे, सरपंच रहे थे गाँव के, अपने आप संभाल लेंगे, मैंने उनको नहीं बताया जी। तो पिताजी ने एक बात कही थी जी, तो बेटा आप पीछे की परवाह मत करना जी, आपको जाना तो निश्चिंत होकर के जाओ जी, बस बन गया जी। बन गुप्ता जी जेल का कोई माहौल याद आज है? आज याद है जी, कोई वहाँ की यादें, कोई तराने, कोई याद है मेरे, देशभक्ति गीत चलते होंगे कोई? हाँ, क्योंकि क्योंकि मंगला जी वही समय होता है जब आदमी को ना परिवार से अलग है, अकेले हैं, तो लगता है कि कोई सांस्कृतिक बात भी हो, कल्चर भी हो। मैं प्याज का इस्तेमाल अभी तक नहीं करता जी, और वहाँ की रसोई का काम मेरे जिम्मे था जी, सुबह से शाम तक जो भी काम होना है जी, वो रसोई का काम हमारी अलग रसोई बनी हुई थी, सब्जी बहुत अच्छी बना के लाते थे जी, जी। तो ये मान ले सब्जी तो खिला सकते हैं आगे जी, 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 सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत चलते थे जी, जैसा भी जिसको कोई भजन है, कीर्तन है, गाना है, वो आता था, सुनाते थे जी, और बड़े ही खुश रहते थे। कोई अच्छा सा कोई उस टाइम का तराना याद हो तो हमारे दर्शकों को सुनाओ ना, कोई देशभक्ति का हो या क्या, जिससे जोश भी तो भरते होंगे। हाँ, जोश भरते, जुनून आता होगा, जोश भरते होंगे। अपने स्वर्गीय मैथिली चरण गुप्त जी की जी वो है, और जो मैं उस संदर्भ में भी कहना चाहूँगा, जो आज के युवा जी ये अग्निपथ, वो अग्निवीर, अग्निवीर वाला जी जी चल रहा है जो जी जी, तो उन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है, हे नव युवाओं देश भर की, हे नव युवाओं देश भर की शक्ति तुम में ही भरी है, मनुष्य जीवन की ज्योति तुम में सबसे भर भरी, जो तुम ना दोगे कौन देगा, जो तुम ना दोगे कौन देगा, योग देश उद्धार में देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार, आजकल संसार, जो कुछ करो तुम कार्य में भी जी, जो कुछ करो तुम कार्य में भी साथ ही परिणित करो, सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में भरा धरो जी, जी। वो निम्नोक्ति क्या है,
दो पथ असंयम और संयम, दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कही, पहला अशुभ और दूसरा शुभ है इसे तुम भूलो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पर मन प्रथम की ओर ही, पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा भी असंयम, पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा भी, जो न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। ये युवाओं के लिए संदेश है आज भी, जो चल रहा है अग्निवीर वाला एक मामला चल रहा है, और जो लोग हमारे यूथ जो है बिना सोचे समझे। मैं गुप्ता जी आपकी बात में बात बढ़ाते वही कह रहा हूँ। जी जी जी। एक कानपुर से खबर पढ़ रहे थे और उसके अंदर लगभग 10 मौलवियों के उसमें बयान थे, उन्होंने कहा कि मुस्लिम अग्निवीर में जाएं। जी। आखिर हमारे समाज को क्या हो रहा है ये देखने की बात है। और गुप्ता जी ने आपने बड़ा अच्छा संदेश दिया आज के युवाओं को उस माध्यम से कि अशुभ ना हो जाए और असंयम में ना चले जाएं, संयम बरतें और जो देश हित में कार्य है वो करें। मंगला जी वापसी चल रहे हैं आपातकाल की स्थिति में। बड़ा ही रोचक हमारा ये होता था, जैसे संघ के शिविर लगते थे हमारे। जी जी जी। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, इसी प्रकार से हम ये समझ के चले कि हमारा वो शिक्षण प्रशिक्षण शिविर है। वो प्रशिक्षण शिविर जी सुबह 5 बजे उठना होता था और विशेषकर मैं आलस में रहता था। गुप्ता जी तो सब्जी बनाते थे, आपका भी कुछ रहा था विशेष योगदान उसमें क्या? पहला जी गुप्ता जी सब्जी आज तक याद है, ये हमारे दंड प्रमुख थे। तो सुबह से लेके शाम तक कार्यक्रम चलते रहते थे जी। तो मेरी डंडा टोली बनाते थे, अनिल भाई थे अपने, दो तीन लोग और थे, तो मेरी डंडा टोली बना करके और उठाते थे मेरे को, जगाते थे जी। और मैं भी बड़े मस्ती के साथ उठता था, उनके साथ खूब खेलता था। फिर उसके बाद में हमारा प्रातः स्मरण होता था, प्रातः स्मरण के बाद में शौचालय वगैरह 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए जी जी। फिर हमारी शाखा लगती थी, शाखा लगने के बाद में फिर नहाना धोना स्नान वगैरह करना, फिर भोजन भाई साहब, यानी कि नियम भी पूरे रहे और जेल को एंजॉय भी पूरा किया। रात को 10 बजे तक, शाम को 7 बजे हमारे रामायण तौर से, और प्रशासन का भी एक अच्छा सहयोग था ही राजी। मैं करीब 10-12 दिन तक तो हम थोड़ा सा वैसे रहे थे परेशानी में, लेकिन बाद में प्रशासन, जेल प्रशासन ने हमको बहुत सहयोग करा जी, हर तरीके से जी जी। और एक विशेष वो भी सहयोग तब किया जी, एक घटना घट गई थी जी, के बात करता हूँ आपकी। एक आदमी, एक हमारे सज्जन मुझसे मिलने आए, मैं जेलर के गेट उसमें गया ऑफिस में, मैं जाके कुर्सी पे बैठ गया, तो वहाँ जो उप जेलर था, डिप्टी जेलर, हाँ डिप्टी जेलर, वो बोला थी आप क्यों बैठे हो, आपको पता नहीं आप बंदी हो। फिर मैंने वापसी में आकर अपने मूलचंद जी, माननीय मूलचंद जी मंगला जी बात की, फिर उन्होंने लिख कर भेजा कि भी डिप्टी जेलर ने हमारे एक साथी की अवमानना की है, इसलिए आज हम भोजन नहीं करेंगे जी। फिर जेलर आया, उसने माफी मांगी, तब जाके हुआ, तब जाके व्यवहार ठीक हुआ होगा। बिल्कुल, ये है, ये होता हमेशा कि जब अधिकार नहीं मिलते तो उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। पहलाल जी आज 48 साल पूरे हो चुके हैं, युग बदल चुका है, 47-48 साल है, 48 साल लग रहा है कंप्लीट, हाँ 47 पूरे हो गए, 47 साल पूरे हो गए आज, 48वां शुरू हो गया। इन 47 साल में यानी कि युग बदल गया जी, पीढ़ियां बदल गई, दो पीढ़ियां बदल गई और सारे हालात बदल गए। आज के हालात में क्या लगता है कि क्या कभी वो दौर दोबारा तो नहीं आ सकता? पैरल जी देखिए, वो दौर तो नहीं आएगा जी, क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है जी, लेकिन कुछ जो है हमारे समाज की कुछ कमियां रही जी। मैंने एक स्थान पर पढ़ा था जी जी, कि जो हिटलर था जी और जो नाजीवादी जो संगठन था उसका जी, उसके खिलाफ जैसे हिटलर समाप्त हो गया, मुसोलिनी वगैरह और ये जो भी वो हुए थे उस समय यूरोप के अंदर, तो वो दोबारा उस तरह की घटना रिपीट ना हो जी, उसके लिए यूरोप के अंदर 75 वर्ष तक लगातार जी उसको दोहरा करके और समाज को मोटिवेट किया गया जी, कि भाई ऐसा समय जो है नहीं आना चाहिए। मेरा सवाल केवल इसलिए था कि हम पिछले लगभग 5-6 वर्ष से देख रहे हैं कि लगातार बिना वजह के लोगों का रोड पर आना, बिना वजह के बयानबाजी, बिना वजह के संघर्ष, कहीं धर्म संप्रदाय की लड़ाई, कहीं ऊंच नीच की लड़ाई, कहीं सरकार की योजना के, बिना देखे भाले भी
बिना सरकार का विरोध होना चाहिए, सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन एक उसका भी एक तरीका है विरोध का। तो केवल मैंने मेरा सवाल इसलिए था, हम सीधे आगे चलते हैं पैनल जी। आज मैंने वही आपसे कहा कि परिदृश्य जी, एक लाइन में पूरी जो जी आप पूरी कीजिए, आप पूरी कीजिए। वो मैं ये पूरी करना चाह रहा था जी कि उस हिसाब से जैसे ही यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ जी और यहाँ की राजनीति भी परिवर्तित हुई जी जी, विचारधारा भी बदली जी, समाज में भी उत्थान आया, जागरूकता बढ़ी जी जी जी, उसके हिसाब से जो इमरजेंसी के विषय में जो विरोध होना चाहिए था, क्योंकि वो अगर लगातार कालांतर तक जो चलता रहता मीडिया के माध्यम से भी, संगठनों के माध्यम से भी, तो वो सब जगह जो है एक सर्वव्यापी उसका रूप बन जाता जी जी। तो आने वाली संतान को पता लग जाता और ऐसा आगे ना हो उसके लिए भी समाज जागरूक होता जी। ये थोड़ा सा कभी कभी अपने मन को कछूटता है कि इसके बारे में सीएम साहब से भी हमारी एक बार बातचीत हुई थी, ये उस समय जो वर्चुअल मीटिंग चल रही थी, तो मैंने सीएम साहब से कहा था जी कि इसको जो है एजुकेशन के अंदर ला करके उसको, और इसको पूरी तरह से जो शिक्षा में ला करके और समाज में इसको हाईलाइट किया जाए जी। तो अभी सबकी जानकारी में इतनी नहीं है बात। मैं इनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा जी कि जब 1977 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जी सेंटर पे, जनता पार्टी की सरकार बनी, तब उस समय केंद्रीय सरकार ने अमेंडमेंट करके संविधान में ये निश्चित नियम बना दिया था कि इस प्रकार की आपातकाल कभी भी भारतवर्ष में नहीं लग पाएगा जी। दूसरा ये कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था जी, 800 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था, उस समय लोगों में उत्साह था, एक जुनून था जी जी। अगर उस समय नैतिक शिक्षा जनता को इस रूप में दी जाती जी, क्योंकि उस समय एक वोट बैंक के आधार पर चला सारा शासन जो चला, अगर उनको ऐसी नैतिक शिक्षा दी जाती कि देश के प्रति भी हमारा कर्तव्य है जी, तो आज परिस्थिति कोई अलग होती जी। आज मोदी जी की सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है जी, कि लोग नैतिक रूप से आगे बढ़े, देश के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझे जी। परंतु क्योंकि वो जनता की एक आदत पक चुकी है जी, और उसमें एक परिवर्तन होने जा रहा है, इसलिए ये विरोध थोड़ा नजर आ रहा है। अगर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे जी, इसका दूसरा उदाहरण और दूंगा कि जिस समय जैसे पंडित जी ने कहा कि जिस समय ये इमरजेंसी लगी और उसका हिसाब से जो विरोध होना चाहिए था, जिस समय 1977 में चुनाव हुए उसका असर दक्षिण में नहीं हुआ जी। जब चुनाव हुए तो उत्तर भारत से तो कांग्रेस साफ हो गई, एक भी सीट नहीं आई उनकी, परंतु दक्षिण से वो 150 सीट ले गई थी जी। अगर वो जन जागरण किया हुआ होता तो जो असर उत्तर में हुआ, यानी कि 77 में, 1977 में जी, वही असर दक्षिण में भी होता जी। तो मेरा भाव ये है कि ये नैतिक शिक्षा जनता को जरूर दी जानी चाहिए कि देश के हित में क्या है और देश के अहित में क्या है। भारत बहुत विस्तृत देश है, समाज के लिए। आज बिल्कुल समय बदल चुका, मैं आपसे पहले भी कहा, पिछले समय में सरकार ने जो हमारे यानी कि लोकतंत्र के प्रहरी थे, ये उनको लोकतंत्र प्रहरी का दर्जा भी दिया, लोकतंत्र सेनानी का दर्जा भी दिया, और शायद कुछ सुविधाएं भी सरकार की तरफ से, वो सुविधाएं सभी शुरू हुई कि नहीं हुई, सभी शुरू हो गई, कुछ पेंशन भी रखी थी सरकार ने, और जी जी। तो आज के युग में कैसा महसूस करते हैं जब वो बात याद आती है, आज सरकारें बदल चुकी हैं? देखिए, सरकारें बदलने के बाद जी जी इसमें तो कोई शक नहीं है जी, कुछ सुखद अनुभूति तो हुई है जी, और मान सम्मान भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे लोकतंत्र सेनानियों को दिया है जी, चाहे वो पार्टी की तरफ से पगड़ी बांधना हो जी जी, चाहे जो है का बस का आना जाना जी किया हो जी जी जी, है? या तो बस एक ही फ्री है या कोई एक सहयोगी के लिए? एक सहयोगी है, और एक साथ में पत्नी और आपके धर्म और एक अटेंडेंट जी जी जी, एक अटेंडेंट के लिए है जी। तो ये दिया है तो ये एक सुखद अनुभूति तो है जी, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अब जो समाज है वो बदलाव की तरफ जा रहा है जी, लेकिन जो लोग बदलाव नहीं चाहते हैं, जिनकी आदतें पक चुकी हैं जी, इस तरह की जो लॉबी अपने यहाँ बैठी हुई है, और ये ऐसी बहुत है जी जी, जी हर घटना को जब आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने विरोध करना ही करना है जी। तो हमारा मानना यह है कि हमें उनकी बात को ज़्यादा परवाह नहीं करना है, उनके विरोध की परवाह नहीं करना है, अपने काम को करते जाना है, और आने वाला समय जो है वो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा समय होगा भारत के लिए, और जो अपनी कल्पना है, परिकल्पना है अपनी, कि भारत जैसे
विश्व गुरु था, यही सभी कामना होगी। हमारा देश जो आज से प्राचीन था वही उसी संस्कृति का आधार पर वापसी पाई, वो धर्म संस्कृति के आधार पर थी हमारे देश। जी जी, जो हम विश्व गुरु रहे हैं जी, वो कोई ऐसा नहीं है कि किसी टेक्निक के बहुत ज़्यादा डेवलप होने से या किसी और कारण से हुए हैं। अपना जो देश है, जो विश्व गुरु बना है, वो अपनी धर्म संस्कृति के आधार पर तकनीक विरासत में हमारे पास। मंगला जी, आज जो ये सरकार चल रही है ये भी उसी को बेस मान करके और सब सुधारों को कर रही है, है जी। विचारात्मक जो परिवर्तन है वो किए जा रहे हैं जी। तो इसी तरह से चलता रहा तो आने वाला समय जो का भारत उसका होगा और बहुत ही जो का स्वतः समय। मुझे तो जो सबसे ज़्यादा बात कचोटती है जी, कि 75 में आपातकाल लगा जी, 77 में आपातकाल हटा 21 महीने लगे रहा लगा। लेकिन इसके बीच में जी, जो असंवैधानिक सरकार थी इंदिरा जी की जी, जिनका चुनावी रद्द हो गया था और वो जबरदस्ती कुर्सी को कब्जा किए बैठी थी जी, उन्होंने 1976 में एक संशोधन और कर दिया संविधान में, जो हो नहीं सकता था जबकि राष्ट्रपति के हाँ, और वो राष्ट्रपति से भी जबरदस्ती कराया गया जी। और उस संविधान संशोधन में सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। विवेकी राष्ट्रपति थे और उस समय उनके एक मैं कहने की पुस्तक पढ़ रहा था, ये उल्लेख है उसके अंदर। हाँ जी, पकड़ लिया, सॉरी, जबरदस्ती वो एक शब्द जोड़ करके जी जी, जो आज तक मुझे लगता है वो संविधान का काला पृष्ठ हो चुका है जी। जब संविधान निर्माताओं ने इसको सेकुलर स्टेट नहीं माना, एक असंवैधानिक सरकार बाद में जोड़ा गया, एक असंवैधानिक सरकार जिसको कि हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कह दिया कि आप सांसद ही नहीं हो। हाँ, प्रधानमंत्री बने ना पर सांसद नहीं हो, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थी, बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया और वो आज तक रिवर्ट नहीं हुआ। तो आपकी भावना ये भी आज सरकार है तो यस यस कि वो जो संशोधन है वो वापस होना चाहिए जी। क्यों? क्योंकि वो संविधान निर्माताओं ने तय ही नहीं किया था जी। इतना बड़ा संशोधन, आप एक गैर जिम्मेदार सरकार आना की बात थी इनकी कि उन्होंने वो संशोधन किया देश योजना के माध्यम से सरकार को, हमारा एक तरह से हम संदेश कह दें या उनसे प्रार्थना है उसको बहुत कमिटमेंट होते हैं उसको देखें। वैसे तो उसका जो हिंदी शब्दार्थ लेते हैं ना वो गलत लेते हैं, धर्म निरपेक्ष बोलते हैं। धर्म निरपेक्ष तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, पंथ निरपेक्ष हो सकती है, पंथ निरपेक्ष हो सकती है। धर्म का मतलब जो सही चीज है, जो सही चीज है वो धर्म है जी जी। वो पद्धति किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो, कोई भी हो। जो सही चीज है वो धर्म है जी जी। दूसरा क्या है बक्कू जी, जी वो दौर कैसा दौर था जी, जैसे अभी शर्मा जी कह रहे थे जी जी कि भाई इन्होंने अपने पिताजी से पूछा, मेरी तो अपने पिताजी से पूछने की भी हिम्मत नहीं थी जी। आप तो उस टाइम बता पढ़ रहे थे। हाँ, तो बस मैं तो स्कूल के लिए किताबें मेरे हाथ में थी और मैं स्कूल ना जा करके और वहाँ से माला पहनी जी। और सचान साहब मेरे साथ थे, हमारे मोहल्ले में ही ढेर मोहल्ले में गंगा मंदिर था, गंगा मंदिर जी। तो वहाँ गंगा मंदिर के सामने हमें इकट्ठा होना था, वही किताबें छोड़ी मंदिर में और मंदिर से बस वो मालाएं पहन के बाहर निकले और इंदिरा गांधी आया करनी शुरू करी और पंजाब नेशनल बैंक चले गए जी। अर्थात शाम को जब मैं घर नहीं पहुँचा दोपहर को स्कूल से जी जी, और शाम हो गई तब उन्होंने ढूंढना शुरू किया भी लड़का कहाँ है जी। तो वो मूलचंद जी का घर, क्योंकि हमारा घर और उनका घर बिल्कुल आमने सामने सही था, बिल्कुल बिल्कुल। एक दोस्त को और लेके पकड़ था, एक मेरा मित्र और थे जी, मेरे क्लासमेट थे, वो बोले यार मेरा तो मनी नहीं लगेगा अगर तेरे तू भी साथ चले, साथ चलते तो वो भी साथ चलेगा। नहीं, शुक्र है कि नसबंदी से बचे रहे, जबरन नसबंदी पकड़ पकड़ के नए नए लड़कों को पकड़ पकड़ के जबरन नसबंदी। उस दौर का बड़ा आपने अच्छा किस्सा छेड़ा गुप्ता जी। आगे पूरी बात खत्म, चर्चा को विराम देने से पहले मैं भी मैं उसी में शामिल हो रहा हूँ। चौधरी बंसल सामने खड़े हो गए कि अगर तेरा कटा होता पता लगता, ठीक है जी, चलिए जी, मंगला जी। वो ये लगा लो कि शादी जो शादी बनाते जा रही है उसमें से पकड़ पकड़ बिल्कुल जी। मैं एक बात और बीच में कहना चाहूंगा जी जी जी, कि हमारे दादाजी थे तो वो गुड़गांव में ही एक चमनलाल नैयर एडवोकेट होते थे जी जी, तो उनके मुंशी थे जी। तो वो बगैर मेरे सिग्नेचर के ही सेशन जज उन दोनों गुड़गांव बैठता था। वो वहाँ से एक मेरी बेल बेल करा के पता नहीं कुछ ले आए। तो जेल में यादव था जेलर हमारा जी, वहाँ से संदेश आया हमारी बैरिक में कि भाई वो मुंशी जी बुला रहे हैं, वो अनिल से मिलने आए हैं तो उसको भेज दो।
हमारे पास में लाला गिलचंद जी बैठे हुए थे, तो वो मेरे से बोले बेटा तेरी तो बेल हो गई, मुंशी जी आए हैं तेरे से मिलने, है तो तेरी बेल तो पक्की है, तो तू अपने सामान तुम पैक कर ले। मैंने की जी वो बिरजू बोला भाई तू चला जी, मैं नहीं जाऊँगा। बोला भाई देख तू चला जी, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने उसे कहा था मेरे तू जमानत करा के आ जाएगा। बोले भाई तेरे लाला मूलचंद मंगला जमानत करा के आ जाएंगे, मैं नहीं करा के आऊंगा। जी तो मैं जब बाहर गया तो वही था कि वो जमानत माँ बाबा के हाथ में था। जी उन्होंने मेरे से कहा भी तू यहाँ दस्खत कर रहा चल। जी जी मैंने कहा जी क्या है? बोले भाई तेरी वो जमानत हो गई है। मैंने लिया कागज, मैंने कहा बाबा मैं तो साइन नहीं करूँगा इस पर। क्यों? मैंने कहा वो बाबा अगर भगत सिंह भी ऐसे ही सोचते देश आज़ाद कैसे होता, बाबा ने मेरे को एक लगाया थप्पड़। तो जेलर ने बाबा का हाथ पकड़ा, बोले देखो मुझे ये सारी बात ठीक, ये नहीं चलेगा, हमारी है आप हाथ ही लगाओगे। जी जी मैंने वो कागज फाड़ा बाबा के हाथ में दिया और मैं अंदर चला। बहुत बड़ी बात है सहयोग की भावना। मैंने पहले कहा कि हमारी सनातन संस्कृति के अंदर है सब। तो ये हमारे पिताजी उन दोनों ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते थे, हरियाणा सरकार के कर्मचारी थे। जी डीसी ने उस वक्त उनको नोटिस भी दे दिया था जी कि भाई ये आपका बच्चा जो है एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। तो बाबूजी ने उस वक्त एक एफिडेविट फाइल किया कि भी मेरा उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है। और वो हवेली के एक कमरा था उसमें मेरे वो निक्कर पिक्कर जो थे वो टाक टूक दिए थे मुझे, वो यहाँ रहता आप आगे चेक कर लो। जी तो बाबूजी की पिंडी छोटा बनना तो बाबूजी का दौर ऐसा दौर ऐसा दौर ऐसा था। जी गुप्ता जी समापन से पहले आपके फिर एक दो चीज और बताना चाहूँगा। जी अभी जो नसबंदी का प्रसंग चल रहा था जी और 1977 में जब चुनाव हुए जी और इतना उत्साह था लोगों में, गीत बना रखे थे जी। अब आपने कहा जी एक आध दो जी 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 तुम देखो करके गौर जरा सी मारो नजर इलाके में क्या कसर रही तेरे डाके में जी। इमरजेंसी के बारे में जी 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 और जब प्रचार होता था तब इस तरह से गाया जाता था, ये रागनी रसिया बनी रागनी बनी थी जी। तुम देखो करके गौर जरा सी मारो नजर इलाके में क्या कसर रही तेरे डाके में जी। छापे गिरे जब गावन में ढूंढे ही पुलस मकानन में भग्गी पड़ जाए ही ज्वालन में लड़ दुब के जाए के ढाटे में जी, क्या कसर रही तेरे डाके में। इसके साथ एक और सुनाना चाहूंगा जी, जी, जी। अभी जो दर्पण अखबार हमारा पलवल से छपता था दर्पण जी, और जब हम तारीखों पे आते थे हम उसको ले जाते थे, माननीय चौधरी देवीलाल जी जेल में थे और जब हम पहुंचते थे वो उत्सुक रहते थे कि हमसे दर्पण की कॉपी ले पलवल का जी पलवल से, तो वो बड़े पढ़ते पलवल का गौरवशाली इतिहास रहा है और हमेशा रहेगा। मैं इसी के साथ अब हम चार जने बैठे हैं जी, परंतु अपने जो साथी जो दिवंगत हो चुके हैं जी उनके भी नाम जरा बताना चाहूंगा जी। हाँ श्री मूलचंद जी बंगला बड़े जी, श्री मूलचंद जी बंगला छोटे जी, लाला गेलचंद जी जी, लाला मोहनलाल जी जी, लाला भगत राम जी जी, भगत सिंह जी जी, पंडित चुनीलाल जी बंगला से होते देवली से जी जी, ननुआ नंबरदार हरिजन नंबरदार थे वो मीरापुर से होते थे जी, चौधरी रामप्रसाद सुलेख नहीं रामप्रसाद सुलेख तो पलवल से और चौधरी शिवचरण हतील से पटवारी से वो भी हमारे साथ शामिल थे जी। जी जी तो आज हम उनको ज्ञानचंद अरोड़ा जी ज्ञानचंद अरोड़ा जी अपने पंडित वेद प्रकाश जी प्रकाश उनको आज याद ना करें तो ये हमारे लिए बिल्कुल 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 देश रोजाना परिवार भी उन सभी को जो सत्याग्रही थे जो आज हमारे बीच नहीं है उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता है और उनके सेवा कार्यों का सैल्यूट भी करता है। मंगला जी आप पूरा करेंगे इसके बाद कर आपके साथ में समापन करेंगे फिर इसका। हमारा हरियाणा सरकार से आग्रह होगा जी कि जो आपातकाल का जो कालखंड रहा जी और जो जो यात्राएं हम लोगों ने सहन की जी वो आज के युवा पीढ़ी को बताया जाए पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रेरणा देने के लिए। जो स्वतंत्रता सेनानी जी का इतिहास हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही हमारा इतिहास जो लोकतंत्र का इतिहास है इमरजेंसी काल का वो पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ये हमारा आग्रह होगा। यानी कि प्राइमरी कम से कम पाठ्यक्रम में दिया जाए। मंगला जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी।
बेसिकली यदि मग्गू जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी इस सत्याग्रह के साथ ना जुड़ा होता जी तो ये आपातकाल आसानी से हटने वाला नहीं, हटने वाला था। ठीक है बिल्कुल। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो अवधारणा है, जो इच्छा है जी। या जिस काम के लिए 1925 से लगा हुआ है जी, वो है इस देश को परम वैभव पे पहुंचाना जी। जहां हम विश्वगुरु थे, दोबारा से हम विश्वगुरु की स्थिति में आए हैं जी। सोने की चिड़िया थे तो सोने की चिड़िया दोबारा बने जी। और अब तो हमारे प्रचारक लोग कहते हैं कि सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनना है जी। क्योंकि चिड़िया को तो कोई भी उठा सकता, उठा सकता है, शेर को कोई उठा नहीं सकता। ठीक बात बिल्कुल जी। तो इस तरह की भावना लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है जी। और मैं भी एक गीत की चार लाइनें, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। देश हमें देता है सब कुछ जी, हम भी तो कुछ देना सीखें जी। सूरज हमें रोशनी देता जी, जी। हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये हर भारतवासी के, हर देशवासी के दिल में एक तरह से कहीं तो जज्बा होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए, खिलौर होनी चाहिए। आज हमने आपातकाल के उस समय को याद किया और बड़े हम गौरवशाली हैं कि हमारे साथ में वो शख्सियत बैठी जो आपातकाल के सत्याग्रही थे, आपातकाल के दिनों में जिन्होंने कि जेल के अंदर रहकर लोकतंत्र को बचाने में एक अपनी महती भूमिका निभाई। आज के इस कार्यक्रम में देश की युवा पीढ़ी को और ख़ासकर अपने इलाके की युवा पीढ़ी को हमने आप लोगों से, उन शख्सियत से रूबरू कराया जो कि उस दौर के हमारे सत्याग्रही थे। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका हमें इसी प्रकार से प्यार और सहयोग मिलता रहेगा और देश रोजाना भी समय समय पर इस प्रकार के सामायिक कार्यक्रमों के साथ आपके बीच उपस्थित होता रहेगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आदरणीय मग्गू जी का बड़ा आभारी हूँ जी कि आज हमारे संगठन को और हमें उन्होंने एक अवसर दिया कि हम अपने विचारों से जनता को अवगत कराएं जी। मग्गू जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।